फजूर, नफ्स मुतमैन्ना में और फना में क्या रब्त है? हर चीज को फना है, खुदा को फना नहीं। उससे मुराद है उसका खत्म हो जाना। नफ्स मुतमैन्ना जो है वो इंसान के नफ्स की उस हालत को कहते हैं जब वो अल्लाह ताला पर राजी हो जाए, तो दूसरे नफ्स उसके मुकाबले पर फना हो जाते हैं। समझे? इस्लाम चीज क्या है? खुदा के लिए फना, तर्क रजाए खिश पर मर्जी खुदा। फना को मसले को हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस शेर में हल कर दिया है। इस्लाम क्या चीज है? खुदा की खातिर अपने ऊपर फना आयद कर देना। और फना इस तरह आयद होती है कि उसका नफ्से अम्मारा मिट जाता है। रसूल सल्लम का भी नफ्से अम्मारा था, मगर वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको काबू कर लिया था। वो फिर बुराई का कोई हुक्म नहीं दिया करता था। ये मुतमईना है कि जिसमें नफ्से अम्मारा का खौफ ही उठ जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपने फरमाया कि शैतान हर शख्स की रगों में दौड़ता फिरता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपकी रगों में भी शैतान दौड़ता है? आपने, हाँ, मेरी रगों में भी दौड़ता फिरता था, लेकिन मेरा शैतान मुसलमान हो गया है। अब उसको बुराई के हुक्म की तौफीक नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लम की जो हदीसें हैं उनमें इन सब बातों की हिकमतों का जवाब है जो लोग सवाल उठाते रहते हैं।